नमस्कार न्यूज ऑन नेशन देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ रश्मि साल का आखिरी महीना और तीसरा सोमवार ऐसे में आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जनता दरबार सजने जा रहा है बता दें कि फरियादी अपनी फरियाद लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचेंगे और हमेशा की तरह आज भी सीएम नीतीश कुमार उन सभी के समस्याओं को समाधान करने की कोशिश ही नहीं करेंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि जब कोई फरियादी सीएम नीतीश कुमार के पास फरियाद लेकर पहुंचता है तो ऑन द स्पॉट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक्शन किया जाता विभाग को फोन किया जाता है और ठीक उसी तरह से आज भी जनता दरबार में फरियादी अपनी परेशानी अपनी शिकायतें लेकर नीतीश कुमार के पास पहुंचने वाले हैं ऐसे में आज किन किन विभाग से जुड़ी समस्या जनता दरबार में आएगी और क्या कुछ जनता दरबार में आज होने जा रहा है इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देते हैं बता दें कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सोमवार यानी कि आज हो रहा है महीने का तीसरा सोमवार होने के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पथ निर्माण उद्योग ग्रामीण कार्य ग्रामीण विकास पंचायती राज जल संसाधन कृषि आदि विभागों से संबंधित लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उसका तत्काल निष्पादन सुनिश्चित कराएंगे तो बता दें कि ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियादी पहुंचने वाले हैं बता दें कि इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि जब भी जनता अपनी शिकायत लेकर से नीतीश कुमार के पास पहुंचती है तो उस शिकायत को दूर करने के लिए तमाम कोशिशें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जाती है खासकर जिस तरह से बिहार में एक बार फिर से जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना उसके बाद से ही जनता दरबार की शुरुआत की गई लगातार हर सोमवार को जनता दरबार सजता है ऐसे में आज साल का आखिरी महीना है और तीसरा सोमवार भी है तो एक बार फिर से जनता सीएम नीतीश कुमार के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वाली है बता दें कि फरियादी जब वहां पहुंचते हैं तो कई सारे प्रोटोकॉल्स का पालन भी वहां पर किया जाता है सीक्वेंस में फरियादी को भेजा जाता है अंदर ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही वहां पर ना हो सके जितनी भी तैयारियां है मुस्तैदी है वो वहां पर रखी जाती है और यही वजह है कि अच्छे से जनता दरबार में लोग पहुंचते हैं अपनी शिकायतें से नीतीश कुमार को बताते हैं और यही वजह है कि आज एक बार फिर से चाहे वो जल संसाधन से जुड़ी शिकायतें हो ग्रामीण विकास हो कृषि हो ये तमाम मुद्दे को लेकर आज एक बार फिर से जनता दरबार आ, सजने जा रहा है जहां पर फरियादी अलग अलग शिकायतें लेकर पहुंचेंगे खासकर अगर हम ग्रामीण की बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो भी कई तरह की शिकायतें लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं और यही वजह है कि आज के लिए पथ निर्माण से लेकर कृषि तक की समस्या आज जनता दरबार में सुनी जाएगी और तत्काल प्रभाव से उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो कोशिश है वो सीएम नीतीश कुमार और बाकी विभाग की तरफ से भी की जाएगी ऐसे में आगे भी क्या कुछ तस्वीरें जनता दरबार से निकलकर सामने आती है किस तरह से फरियादी पहुंचेंगे ये तमाम चीजें हम आपको जरूर दिखाएंगे वो खबरें हम आपको दिखाएंगे लेकिन किन किन विभाग से जुड़ी आज शिकायतें नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचने वाली है ये तमाम अपडेट्स हमने आपको इस वीडियो में दी है फिलहाल इतना ही ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ नमस्कार